दोस्तों सब्सक्राइब करें YouTube चैनल एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर को और दबाइए इस बेल आइकन को जिससे कि हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वेलकम यूट्यूबर्स, और आज मेरी ऑल इंडिया राइड का 66वां दिन है और आज हम जा रहे हैं मजूली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और आज हमने राइड की शुरुआत जीरो वैली से कर दी थी और करीब करीब आज हम कवर करेंगे 220 किलोमीटर। और मजूली आइलैंड पहुंचने के लिए हमें रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके लिए हम फेरी का इस्तेमाल करेंगे। फेरी लेकर ही हम रिवर क्रॉस कर पाएंगे मजूली आइलैंड पहुंचने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हम आज कैसे मजूली आइलैंड पहुंचते हैं। दोस्तों सुबह से करीब करीब 160-170 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं और जो अभी सामने का दृश्य है, व्यू है, बहुत ही शानदार है। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और नितिन और अली मेरे से आगे हैं अभी। और यहां से 20-25 किलोमीटर बाद हमें एक फेरी लेनी है, फिर रिवर क्रॉस करनी है, फिर दोबारा एक फेरी लेनी है, फिर हम रिवर क्रॉस करके मजूली आइलैंड में पहुँच जाएंगे। दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहाँ पर आकर हमें पता चला कि फेरी यहाँ से 4 बजे निकलेगी, तो हमें यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा अपना टाइम पास करना पड़ेगा जब तक कि फेरी का टाइम ना हो जाए। चलाऊं
मजूली किस साइड है? इस साइड। ओके। कहाँ? इधर। पहली फेरी से उतरने के बाद अब हम हैं एक छोटे से ऑफ रोड ट्रैक पर, या यूँ कह सकते हैं कि एक ट्रेल है जो कि लोकल्स यूज़ करते हैं मजूली आइलैंड जाने के लिए, और हम चल रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बिल्कुल साथ साथ। राइट साइड में मेरे ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है और अपने आप में मेरे लिए एक बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है। और जो रोड है वो अभी थोड़ा ख़राब है और इस पर रेत पड़ी हुई है जिसकी वजह से बाइक फिशटेल भी कर रही है, लेकिन जो नज़ारा है वो बिल्कुल ही गजब है। और अब हम निकल रहे हैं छोटे छोटे गांवों की गलियों में से, और रास्ते में खड़े लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया से आए हुए हों। और यहाँ के घरों की जो बनावट है वो भी बिल्कुल अलग है। ज़्यादातर जो घर है वो बांस और सूखे घास पत्तों से बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम पहुँचे एक मैदान में और लग रहा है कि काफ़ी पानी पड़ा हुआ है, गड्ढा भी गहरा हो सकता है, तो हमने साइड से रास्ता लिया है और देखते हैं कि हम इसको कैसे पार करते हैं। भाई साहब पकड़ के निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगी। हैं? पकड़ के निकालना पड़ेगा। गड्ढा है तो ज्यादा और अब हम फिर आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। पीछे छोटा मोटा एडवेंचर हुआ, लेकिन जो अभी सीन्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, पेड़ हैं लंबे लंबे और ट्रेल चल रही है साथ में, और उसी ट्रेल पर हम पतली सी ट्रेल पर चले जा रहे हैं।
दूसरी फेरी की राइड ख़त्म हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं अब मजूली आइलैंड। और अब ये मेरी बाइक नीचे उतार रहे हैं, सारा सामान इन्होंने पहले ही नीचे उतार दिया, जितनी भी बाइक्स वगैरह थी वो सब पहले नीचे उतार दी, आखिरी में मेरी बाइक उतार रहे हैं ये। और इसके बाद हम सीधा कोई होटल लेंगे और रेस्ट करेंगे।